सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब ठीक ही होंगे। तो आज हम आपको एक और नया टूल दिखाने वाले जिसमें कि हम कोई भी गाड़ी का किलोमीटर जो है कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, इस गाड़ी में 1,70,140 किलोमीटर बता रहा है, तो इस गाड़ी के अंदर हम आपको किलोमीटर कम करके दिखाएंगे। देखिए गाइस, ये गाड़ी 2009 की स्विफ्ट है, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, तो जिसका कि हम किलोमीटर कम करके आपको दिखाएंगे कि कैसे हम कम करते हैं और क्या क्या इसका स्टेप है। हमने इस टूल को आज ही प्रोसेस किया है, यानी कि अभी अपने पास आया है। अपने को खुद को ही नहीं मालूम कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, फिर भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब दिखाएंगे कैसे अपने को इस्तेमाल करना है। तो ये अपना जो टूल है जो कि हमने आज ही प्रोसेस किया है, इसको हमने सेकेंड हैंड में प्रोसेस किया है, नया प्रोसेस नहीं किया है इसको। समथिंग सामने वाले ने एक महीना चला हुआ, इससे ज़्यादा चलाया हुआ नहीं है। तो हमने ये टूल परचेस किया है और इसकी कीमत समथिंग मार्केट में 13,000 से 15,000 के बीच में इसकी प्राइस है। तो इसको हमने सिर्फ 6,000 में परचेस किया है और देखते हैं ये कैसा काम करता है। तो उसके लिए अपने को ये लाइट से कनेक्ट करवाना पड़ेगा, ये इसका चार्जर है। इसके आगे हमने जो है पिन डाल लगा दिए, स्विच इग्निशन ऑन और सॉरी स्विच इग्निशन कोई दिक्कत नहीं, हमने चार्जर का स्विच ऑन कर दिया है, चार्जर स्टार्ट हो गया। और इसकी केबल जो है अपने को पिन जो है इसके अंदर मशीन के अंदर कुछ इस प्रकार से लगा देनी है। जैसे ही आप पिन लगाओगे तो अपना टूल कुछ इस प्रकार से ऑन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये यूपी से आपको सॉकेट लग रहा दिख रहा है। सबसे पहले हम मीटर खोल के लाते हैं गाड़ी के अंदर से, मीटर को अपने को पूरा खोलना पड़ेगा ताकि इसके आइस के ऊपर हम पिन लगा सकें। देखिए ये मीटर हमने खोल दिया पूरा का पूरा। और अब हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर कौन सी वो आईसी जिसके ऊपर अपने को चिमटा लगाना है, यानी कि जो है पिन लगानी है। ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं वो पिन, ये वाली देखिए, सॉरी आईसी, ये वाली वो आईसी है जिसके ऊपर अपने को जो है चिमटा लगाना है। ठीक है, तो हम देखिए चिमटा लगा रहे हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए गाइस, कई बार क्या होता है कि चिमटा हम उल्टा लगाते हैं, उसके कारण भी जो है काम नहीं होता है। तो अगर आपको ये दिक्कत आए तो आप चिमटा पलट कर भी वापस चेक कर सकते हो। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। देखिए अब हमने चिमटा लगा दिया इस गाड़ी के 24 मीटर के ऊपर। हम अपने को अब यहाँ पे जाना है, अपने को सुजुकी में जाना है गाइस। सुजुकी या मारुति जैसे कुछ लिखा हुआ आएगा। देखिए गाइस, ये सुजुकी आ गया अपना। यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे अपने को स्विफ्ट कार ढूंढनी है। जैसे कि आपने देखा अपने पास स्विफ्ट कार के मीटर का जो हमने खोला है वो स्विफ्ट का है, 2009 मॉडल। ओके, हमने स्विफ्ट का खोल दिया है। इसके अंदर दो ऑप्शन है, 666 और 24C16 ऐसा कुछ है। तो हम सबसे पहले वाले में ट्राई करेंगे क्या रिजल्ट आता है। ओके करेंगे, ये पलक का भूसा अपने लगा दिया है। ओके कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। तो इसके अंदर चिप नॉट फाउंड बता रहा है, यानी का जो अपना को जो कनेक्शन नहीं बताया। कोई बात नहीं, वापस हम नीचे वाले में ट्राई करेंगे। पहली बार गाइस कर रहा है इसलिए हो सकता है दो दो बार ट्राई करनी पड़ रही है अपने को। ये हॉर्न मार मार के गांड मार रहा है मेरे। वापस शिफ्ट में जाएंगे हम, अब की बार इसमें गए हम नीचे वाले में, और यहाँ पे भी पलक में हमने जो है कंटिन्यू किया आगे। तो फिर इसमें अपने को क्या, अपने पर इसके अंदर भी वही दिक्कत आ रही है। इसका मतलब अपना जो है चिमटा ही गलत लगा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। अपन इसको चिमटे को वापस पलट कर लगाएंगे। ठीक है गाइस, पलट के अपने को इस प्रकार से आप देखिए लगा देना है इसको, इस प्रकार से पलटना है और वापस जो है लगा देना है। वापस चेक करेंगे ये लगाने के बाद कैसे काम करता है, ये काम करता भी है या नहीं। वापिस अपने को जाना पड़ेगा सुजुकी में, इसके लिए अपने को सॉरी सुजुकी में तो ऑलरेडी बैठ रही है, अपने को जाना पड़ेगा स्विफ्ट में। ओके यहाँ पे हम जाएंगे। ओके, इसने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया है कि 24C16। ओ गाइस देखिए स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए गाइस, ये स्टार्ट हो चुका है और इसका जैसे कि आप देख सकते हो तो ओल्ड किलोमीटर आप देखिए इसका 1,70,144, उसके अंदर 144 के अंदर 44 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बता सेम टू सेम ही रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा इसके अंदर क्योंकि हम मीटर खोल के कर रहे हैं, वाया ओबीडी हम नहीं कर रहे। ओके गाइज, अब हम देखो आप चिमटा
उसी प्रकार से अपना लगाए। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर नया किलोमीटर डालना है अपने को। अभी इसके अंदर डालने का कितना का है, 1 लाख डाले? नहीं नहीं हम इसके अंदर डालेंगे 85,000, या तो 85,000। ठीक है गाइस, तो हम इसके अंदर 85,000 डालते हैं। ये इतना जो हो गया है, 85,000 हो चुका है, 85,000। यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे आगे। चलो देखिए चेक। अबे यार इसके अंदर एक दिक्कत है, ये थोड़ा सा अपने को कम देगा। जैसे कि हमने 85,000 डाला था, तो इसने 84,992। ठीक है, मतलब कि समथिंग इसके अंदर 8 किलोमीटर का फर्क रह गया। कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी में लगा के भी देखेंगे कि क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या अपना जो है काम सक्सेसफुल हुआ भी है या नहीं। स्विच सिग्नेशन ऑन करेंगे, हम गाड़ी के अंदर मीटर लगा दिया है हमने वापस। गाइस देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो अपना काम हो चुका है, यानी कि ये मशीन आप परचेज कर सकते हो। बहुत ही अच्छी मशीन है, बहुत अच्छा टूल है ये, जिसके अंदर देखिए आपको हमने काम करके दिखाया है कि कैसे काम करना है। इसके अंदर बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल काम करता है ये मशीन के अंदर। ऐसा नहीं कि बहुत मतलब मुश्किल है, डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं गाइस। बहुत बहुत ही बेहतरीन है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले।